ओरिजिनल हियरिंग के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना कि कोई भी लीगल एडमिसिबल एविडेंस जलीस के खिलाफ पुलिस को नहीं मिला है केस डायरी में, और इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने होल्ड करते हुए पूरी FIR फॉर द पेटिशनर जलीस वो अल्टीमेटली क्वैश किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ऑल द कॉन्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आर हियर बाई क्वेश्ड, यानी FIR दर्ज होने के बाद जो भी NBW हुआ, जो भी 82 हुआ या जो भी विवेचना हुई या चार्जशीट आई, तो ऑल कॉन्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR वो सब की सब माननीय उच्च न्यायालय ने क्वैश किया है। तो एक तरह से पुलिस की विवेचना पर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि पुलिस की विवेचना सही नहीं है, इस प्रकार से फर्जी लोगों को फंसाना। और ठीक है, जो जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फर्जी संलिप्तता ना की जाए। तो कहीं ना कहीं इससे पुलिस की विवेचना पे प्रश्नचिन्ह उठता है, जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को जलीस के लिए क्वैश कर दिया।